सिम्बा डॉग शो के लिए रेडी हो रहा है। डॉग शो में अपने चिंटू डॉन को लेकर जाऊंगा, सबके सब सही देखते रह जाएंगे। काफी कमेंट आते रहे फर्स्ट टाइम ओनर के लिए ये वाली ब्रीड ठीक है या फिर नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डॉग कैनल। जोरा हमारी ये बैठी, बाकी सारे डॉग्स नीचे है, चल कर देखता हूँ क्या कर रही। और गाइस सामने रेड किंग को देखो, बिल्कुल पागल हो रहा, यहाँ पर रोक से दंगा कर रही ना, चप्पल उठाई फिर रही, इसा देख कर पूरा एग्रेशन कर रहा, जैसे कि जी पिंजरा ही फाड़ देगा। पिंजरा नहीं, आई मीन गेट। रोक जालियन के पास, उन्होंने कह रहा शांत हो जाओ, यहाँ आके गेट तुरंत बंद कर दिए, वरना भाई रोक के ऊपर अटैक कर देगा बस। और गाइस कभी कभी तो से देख कर डर लगे, यो बड़ा होगा क्या करा कर रहा, बस चुप हो जाओ, चुप बिल्कुल बिल्कुल चुप। और गाइस रेड किंग का थोड़ा सा गुस्सा शांत करना पड़ेगा, वरना भाई बड़ा होगा संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस शांत हो जा, शांत हो जा, बाहर चिंकी आ गई ना, अब चिंकी के ऊपर कर रहा है एग्रेशन। और गाइस रेड किंग का मुझे पहले पता था कि डॉग स्कूल का खतरनाक बनेगा बड़ा होगा, बट भाई ये नहीं पता था अभी सही हो जाएगा। थोड़ी देर रोक के पास बैठ जा, रोकू अपने जैसा बना दे, रोक के पास जाके इतना सीधा बन जा जैसा पता नहीं कितना मासूम है, बहुत तेज हो रहा है। बस रोक रोक कहीं कर ऐसा लगाओ भी, और नहीं बाकी किसी का भी करता। और गाइस रोक की जगह पे कोई अनजान डॉग होता पड़े मर जाता, बट भाई सीधा अटैक कर दे खत्म। और एक इसे देखो हमारे नेताजी को सुबह से माला पहन रखी, माला पहन के खुश हो रहा, बच्चे आ रहे थे बच्चों ने माला पहना दी। सिम्बा डॉग शो के लिए रेडी हो रहा है। और गाइस कल डॉग शो है, बट भाई हमारे सिम्बा की कंडीशन नहीं है ले जाने की, एक तो उसके पैर में चोट है, कुछ भाई इसकी तैयारी भी नहीं है अभी। रोक्सी आ गई मेरे पास, कह रही मुझे लेकर चल, बट भाई रोक्सी उस क्वालिटी की नहीं है कि शो वगैरह में लेकर जा सके। रोक्सी को तो कहीं तोड़ फोड़ करवानी हो ना, वहां पे लेकर चलेंगे, मेरी चप्पल में मार रही सिर। हमारे नेता कैसे हो बोलो, सिम्बा जी जैसे हो। और गाइस कलर का काम तेजी से कंप्लीट हो रहा, आज मिस्त्री भी आ जाएंगे जो दीवार पर मेरे डॉग्स के फोटो बनाऊंगे। और गाइस कल सच में डॉग्स हो है, मैं सोच रहा जाने की सिम्बा को तो ले जा सकते नहीं, अभी तक इसकी तैयारी नहीं है, बट भाई देख आता हूँ क्या क्या सीन है, कैसे कैसे रिंग करवाई जाए डॉग की, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही मिलेगा। बात तो सही है। और भाई नीचे कमेंट करके बताओ डॉग शो में जाऊँ या फिर नहीं। डॉग शो में अपने चिंटू डॉन को लेकर जाऊंगा, सबके सब सही देखते रह जाएंगे। चिंटू डॉन चलेगा डॉग शो में, ओए चलेगा नहीं, नो कह रहा मजा ना छेड़ा, सोन दे नींद में। और गाइस हमारे नेताजी यहाँ पे लेट रहे खाट पे, नेताजी आपकी माला कहाँ गई, बेचारे की माला तोड़ दी जोरा ने माला पकड़ के झटके झटके मार दिए, सारे मुंह फूल ही फूल भी कर रहे थे खत्म। और गाइस आज हमारे कैनल में पेंट का काम शुरू हो गया, नीचे चल कर दिखाता हूँ, रोको चले नीचे, ये तो भाई सारे के सारे अंगड़ाई तोड़ रहे, सो जाओ सो जाओ। और गाइस मेरे नीचे आते सारे के सारे नीचे आ गए, कोको तो हमेशा की तरह ऊपर देख रही, थोड़ी देर बाद कोको खेत में लेके जाऊंगा, आज इस अकेले को ही लेके जाऊंगा। पप्पी सारे के सारे आज इस वाली छत पकड़ रखे भोकरे सामने, आज इनके घर में काम चल रहा है इसीलिए इनका घर चेंज कर दिया। और गाइस अपने जोरा सारे दिन चिंकी लिंकी के साथ रहने लगी, चार रोना अपनी अलग गैंग बना रखी, सिम्बा के अंदर भी बचपन हो गया ना, इसीलिए इनके साथ खेलने कूदने जावे। तो गाइस आके फाइनली गए तो मैं कोको को लेकर, और गाइस बाइक पर लेकर इसके आज हल्की हल्की रनिंग करवाऊंगा, अभी तो रनिंग करवा नहीं सकता, सामने ट्रैक्टर गया क्रीम पाउडर छोड़ गया, थोड़ी देर बाद करवाऊंगा, पहले यहाँ पर घूम फिर लगी। कोको का आज सारा एग्रेशन ढीला करवा दूं, मैं इतनी ज्यादा बैंड बजा दूंगा, सारे दिन पेड़ के ऊपर देखे जाती, आज से ऐसा करते हैं घर जाकर सीधी सो होगी। रुको जरा, कोको के अंदर करंट इसीलिए आ रहा ज्यादा, काफी दिन से खेत वगैरह में नहीं आई थी ना, जब इसने पीस दिए थे उससे भी एक महीने पहले आई होगी, दो चार बार अभी लेकर आया, वरना कई महीनों से घर पे ही थी। कोको को यहाँ से भी थोड़ा अगले चलता हूँ, यहाँ पे पानी है ना, क्या पता पानी के अंदर घुस जा, कोको रुक जा बाहर आ जा। तो गाइस अभी मुझे बोल मिलेगी, थोड़ी बहुत देर बोल के साथ खिलाता हूँ, कोको देख क्या मिला, उठा गला इसे, जा जाइए जाली उत्तरी, ऐसा फाड़ वाड़ न देवे, बट भाई कोको ने तो ऐसा पकड़ा ही नहीं, कोको को तो बड़े वाली बोली पसंद है, छोटी बोल को नहीं पकड़ रही, पकड़ ले छोटी बोल की तो बेइज्जती सी कर रही है, गजब बेइज्जती है। चल कोको लगा जंप, चल चल चल, छोटी सी चामचीरड़ लगा जंप, बहुत अच्छे जा उठा कर लाभी से, बट भाई उठा के नहीं लाती, बोल के पास जावे और खड़ी हो जावे, बेइज्जती सी कर दे इसकी, कोको के नाम की तो बड़ी बोली लेकर आनी पड़ेगी, उसी के साथ खेल लगी। तो गाइस करवाते हैं कोको की रनिंग, और गाइस हमारा कैमरामैन देखो कैसा बैठ गया, अपना हाथ ना पकड़वा लिए, जो बार बार से बोल दिखा रहा, कोको ऐसी है हाथ पकड़ लगी, कोको छोटी थी ना, मेरा मुंह पकड़ लिया था, यहाँ पर निशान मार दिया था इसने, ऐसी है कोको, अब आके तो थोड़ी सी सुधर गई, वरना भाई बचपन में तो पूरी खतरनाक थी, जैसा जैसा कोको की उम्र बढ़ती जा रही से पता चलता जा रहा कहाँ क्या करना। कोको अब रनिंग करिए, ले भाई कैमरामैन। और गाइस कोको अभी एक मजा आ रही, चुपके से बाइक स्टार्ट करता हूँ, वरना बाइक को नहीं जान देने की, देखना भाई बाइक स्टार्ट होते कितनी जल्दी आओगी निकल कर। कोको गुड बाय,
तो गाइस हो गया अपनी कोको की रनिंग। और गाइस ज्यादा थकी नहीं जितनी मैं सोच रहा था, इतनी नहीं थकी, बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे कि जी नॉर्मल खड़ी हो। अक्की पकड़ी ऐसा कभी पानी पी ले। और गाइस अभी ना हमारी कोको के फादर को देखा होगा बैरो को कितना ज्यादा मस्कुलर है। कोशिश करेंगे इस बार सर्दियों में अपनी कोको को मस्कुलर बनाने की। वैसे तो फीमेल थोड़ी कम मस्कुलर हो मेल के मुकाबले, बट भाई फिर भी कोशिश करेंगे। अभी तो पहले से तकड़ा करता हूं पहले की तरह। सर्दियों का यही फायदा है, ज्यादा एक्सरसाइज करवाने से कोई दिक्कत नहीं होती। कोको किस कपड़े में ग्रिप लगवाता हूं पेड़ के ऊपर बांध के, इसमें लगा लगी कोको बाहर आ जा निकल गया। वैसे तो बाईस वाले खड़ में पानी नहीं है, थोड़ी सी बस पानी की दिक्कत है। ला भाई कोको लगा इसमें ग्रिप, पहले ही लगा ली से ना तो। बट भाई इसके हाथों से ग्रिप लगवाते हुए डर लगे, क्या पता मेरा हाथ पैर ही पकड़ ले। यही लोकेशन थी, सेम ऐसा ही कपड़ा था जब इसने मेरे मुंह के ऊपर ग्रिप लगा ली होती। क्या बोला तूने? ग्रिप लगवाता लगवाता कपड़े को इतना पास आ गया लेकर, इसने एकदम से जंप लगाई और मेरे यहाँ पे कपड़े के साथ साथ ग्रिप लगा ली। ग्रिप तो खैर लगाई नहीं थी, अलग दांत सा मार दिया था। जो मेरी पहले से वीडियो देखते होंगे वे तो समझ गए होंगे। तो भाई साहब कपड़े को बांधते जैसा घर पकड़ रख रही ना बोल को देख कर, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कर रही। चलो भाई ने तो पहले ही चीरहरण कर दिया, सारा का सारा कपड़ा उधेड़ दिया। कोको कितने टुकड़े करेगी उत्तरी, अपना ना चोट लगवा लिए। इसने तो भाई एक एक कर गया सारा ही कपड़ा फाड़ दिया, खत्म। ऊपर गांठ लग रही ना, इस गांठ को खोलना चाह रही। बट भाई जितने जोर लगाने थे लगा लिए, अब यहाँ तक नहीं पहुंच पानेगी। कोको चल देखा वहां तक चली जाएगी। ओ भाई साहब एक बार के मिल जाली। और गाइस मेरा एक मन ये कर रहा कोको की ग्रिप लगवा के इसे गोल गोल घुमाता हूँ जैसे रोक को घुमाऊ। बट भाई से गोल गोल घुमाते हुए डर सा भी लग रहा, क्या पता मजे गोल गोल घुमा दिया। रनिंग थोड़ी ज्यादा करवानी थी इसके अंदर, तो अभी भी इतना ही एक्साइटमेंट है। बट भाई देखते हैं कितनी देर इस कपड़े में लगी रहेगी, जब ये कपड़ा बेकार हो जाएगा तभी से गोल गोल घुमाऊंगा। अरे क्या कह रही कोको अपनी भाषा में धमका रही कपड़े को, चींची कर रही, अपना सारा का सारा गुस्सा इस कपड़े के ऊपर उतार रही। ये ब्रीड ऐसी है सभी पे लोग लगाना हुए, वो हमारे हाथ में, हम कहाँ पे लगाना सिखा रहे। और कहीं जरूरी नहीं होता कपड़े में या फिर टायर में ग्रिप लगवाओ, ग्रिप लगा लगा के इनके अंदर और ज्यादा पावर आ जा, पावर निकालने को फिर इनकी रोज एक्सरसाइज करवानी पड़े, अगर नहीं करवाते फिर उल्टा ही काम हो जा, समझ रहे हो। काफी कमेंट आते रहे फर्स्ट टाइम ओनर के लिए ये वाली ब्रीड ठीक है फिर नहीं। वैसे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई अगर किसी को थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है और इन ब्रीड को पाल रहे, अगर ये खतरनाक बनेगी ये तो सीधी लोग ही लगा ले, खत्म। जर्मन शेफर्ड हुआ, लैबर हुआ, अटैकर तो वे भी बन जा, बट भाई वे बुड़का मार का छोड़ दे, ये तो लोग ही लगा लेंगे। कहने का मतलब साफ साफ ये है, मेरी वीडियो थोड़े छोटे छोटे बच्चे देखे ना वे फिर भाई अपने घर वालों से जिद करे, अमेरिकन बुल्ली पालना, पिटबुल पालना, एपीबीटी पालना, उनके लिए ये ब्रीड है ही नहीं। पहली बात तो ये कि छोटे छोटे बच्चों पर संभलने के ही नहीं है। और गाइस सभी ब्रीड के अंदर अपनी अलग अलग खासियत हो, जैसे इनके अंदर तो मेन लोग लगाने की होगी, लैबरा के अंदर स्मेल पावर ज्यादा हो, जर्मन शेफर्ड गार्डिंग के लिए बढ़िया हो, डॉबरमैन भी बिल्कुल ऐसे ही हो, सेम 50% ओनर के हाथ में भी तो हो। और गाइस ये बात मैं आज इसलिए कर रहा, मेरे घर पर जो पप्पीस है कोको वाले मैंने वे अभी तक इसलिए नहीं दिए, छोटे छोटे बच्चे मेरे ज्यादा वीडियो देखे, मैंने नंबर डाला था सेलिंग के लिए, मैंने छोटे बच्चों को एक भी अपना पप्पी सेल नहीं करा, क्या फायदा, अभी तो सोंक सोंक में ले लो, बाद में जाके वे भी परेशान होवे, ओनर भी परेशान होवे। तो गाइस अभी बहुत होगी बात, अब कोको को गोल गोल घुमाता हूं। ओए रुक जा रुक जा रुक जा, शुरू में ग्रिप लगवाने में दिक्कत है, बस एकदम से झपट का पड़े ना कोको, रुक जा अच्छे से ग्रिप लगा ले ले, घुमा दूं चल कोको। और गाइस आज तो मुझे गिरनी भी नहीं आ रही, बस डर लग रहा ये ऐसा छोड़ के मेरा हाथ पैर ना पकड़ ले। चल कोको बहुत अच्छे, अब तो आने लगी गिरनी, गिरनी आने लगी पर फिर भी गया। जब घर से खेत में आए थे ये कह रहे थे कि कोको की बैंड बजा के लेकर जाएंगे, जो जाते घर पर सो जा, बैंड इसकी तो बजी नहीं मारी बजगी। तो गाइस बैठ गए अपनी कोको रानी, अभी से घर पे लेके चलते हैं। और गाइस डॉग शो कल नहीं है, कल की जगह पे परसों है, परसों को जाऊंगा। तो गाइस आके फाइनली घर पे, और गाइस मेरे आते ही सारे के सारे आले ऊपर जिनने में से भागे भागे, नो कह रहे हैं मैं लेके नहीं गया, कोई नहीं भाई कल को लेके जाऊंगा, आज हमारी कोको की बैंड बजा कर लानी थी बट भाई उसने हमारी बजा दी। और गाइस आज रात को पूरी की पूरी गैंग रोक के पास है, कैनल में काम चल रहा ना, रोक ना गोगू कर रहा, ये सारे के सारे परेशान कर रहे, देखना भाई कैसे मुंह के अंदर घुसने को रहे। और गाइस आज के ब्लॉग एंडिंग यहीं पे करता हूं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना। Let's talk again.